अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां निजी विद्यालय के अंदर घुसकर पटवारी और उसके बेटे ने मारपीट करते हुए गाली गलौज किया है। विरोध करने पर गार्ड और विद्यालय के शिक्षकों के साथ अभद्रता की है। मामले की शिकायत हेडमास्टर द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है। घटना सेमरिया थाना क्षेत्र में संचालित अरुणोदय एकेडमी की है। हेडमास्टर ने बताया कि पटवारी सालिग्राम कुंदेर वर्तमान में खमरिया स्कूल में पदस्थ है और उसके बेटे लकी कुंदर ने घुसकर अभद्रता की है। बताया जाता है कि विद्यालय में परीक्षाएं ली जा रही थी, सभी शिक्षक परीक्षा कार्य में व्यस्त थे, तभी पिता पुत्र विद्यालय में घुसकर महिला हेडमास्टर के साथ अभद्रता की है। शिक्षा के मंदिर में की गई अभद्रता मारपीट से अभिभावकों और स्टाफ के बीच काफी आक्रोश है। आइए आपको सुनाते हेडमास्टर दीक्षा तिवारी, संचालक और सुरक्षा कर्मी ने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। कौन से स्कूल में पदस्थ हैं अभी आप? सर, अरुणोदय एकेडमी से। ये कैसी घटना आज आपके स्कूल में? सर, ये कुछ फीस का मामला चल रहा था, हमारे बड़े सर से बहस हुई थी शायद बच्चों के पेरेंट्स की कर, और आज सुबह हम लोग एग्जाम लेने के लिए स्कूल ही आए थे, तो वो लोग अंदर आ गए, गेट से बच्चों के पेरेंट्स ही हैं आए और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। तो पहले तो बड़े सर के साथ उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, हमारे स्टाफ ने हमारे स्कूल के हेडमास्टर सर के साथ, तिवारी सर के साथ, फिर इन लोग का झगड़ा सुन के हम लोग बाहर निकले, क्योंकि स्कूल में काफ़ी सारा हाथापाई हो रही थी, तो हम लोग बाहर आए। जब देखा तो यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं स्कूल की प्रियंका मैडम लेडी स्टाफ में, तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी सर, हाथ वगैरह पकड़ के उनको मारा, और मैं जब आगे पकड़ने गई तो उन्होंने मेरा भी हाथ पकड़ के झिटक दिया। ऐसी सारी घटना हो रही थी, है ना? बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं सर, किसी भी विद्यालय परिसर में किसी को ये बोले तो अलाउड नहीं करना चाहिए कि कोई भी पेरेंट्स हो, बाहर का कोई भी पर्सन हो, तो आके हमारे स्कूल के अंदर मारपीट करें। उनको जो भी बातचीत करनी है शांति से बैठ के करें, और अगर लड़ाई झगड़ा ही करना है विद्यालय परिसर से बाहर, क्योंकि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अशांति फैलाने के लिए नहीं, क्योंकि गलत चीज़ें देखने सिखाने के लिए नहीं भेजते। बिल्कुल, धन्यवाद। ये कैसी घटना हुई भैया आज? ना वो सर जी अंदर मतलब वहाँ मारपीट हुई थी, मैं यहाँ बस के आगे बैठा। क्या नाम है आपका? मारा बस नाम। तो यहाँ ड्राइवरी करते हैं? कौन सी स्कूल की बस में? अरुणोदय एकेडमी सर। तो क्या कैसी घटना हुई है आज? हाँ, अंदर मारपीट शुरू थी सर, तो बड़े सर आए कहीं जाए को पकड़ो, तो हम भी वहाँ गए दौड़ते पकड़ने लगे, तो हो गए हमको भी शुरू कर दिए, फिर इधर उधर हो गए, हमको भी इधर हो गए, सब मारपीट हुई जी। ठीक, कैसी घटना है सर आज आपके स्कूल में? सर अभी क्या हुआ है कि मेरा वहाँ जो गेट कीपर है वो खड़ा था जी, तो उसने पूछा है कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाकर के स्कूल के संचालक से मिलना। उस समय मैं यहाँ था नहीं, मेरे प्रधानाध्यापक उप प्रधानाध्यापक जो है यहाँ पे बैठे, उनसे जो है आकर के ही अभद्रता से व्यवहार करने लगे, और उन्होंने उनके समझाने के बाद भी उन्होंने उनके ऊपर हाथापाई करने लगे। उनके बाद में मेरे आने पे मुझे पता चला कि सालिग्राम कुंदेर जो पटवारी हैं इस समय शायद पदस्थ वो खमरिया में है, सिमरिया तहसील के अंतर्गत आते हैं, तथा उनका बेटा लकी कुंदेर, ये दोनों लोग आकर के यहाँ अभद्रता के साथ व्यवहार किए और मारपीट किए, और जो हमारी उप प्रधानाचार्य हैं स्वच्छा तिवारी, उनका भी उनके साथ भी हाथापाई उन्होंने किया जी। जी, क्या लगता है आपको किस कारण से ये घटना घटित हुई कि वो बाहर से आकर के स्कूल के भीतर घुस करके? ये पता नहीं सर, ये कल शाम के भी मैं नहीं था, ठीक ना, मेरे यहाँ बेटी रहती है जी, यहाँ पे वो रहती है जो यहाँ पदस्थ है कॉलोनी में, तो उनके आपके स्कूल का नाम क्या है? अरुणोदय एकेडमी सिमरिया। कहाँ तक संचालित करते हैं आप? सर कक्षा LKG से 8 तक। 8 तक जी जी। तो यहाँ के स्टाफ के साथ में भी अभद्रता की गई है? जी जी जी, यहाँ के स्टाफ के साथ वो आज हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा है। हाँ। आज एग्जाम है, एग्जाम के दौरान सब अपने अपने क्लास में थे, बच्चों का एग्जाम ले रहे थे, जब देखा कि वो हेडमास्टर के साथ और उप हेडमास्टर जो है हमारे उनके साथ मारपीट हो रही है, तभी कुछ लोग हमारे बाहर से भी लोग देखे तो आए बीच बचाव करने के लिए, हमारे स्टाफ भी आया, उनको साथ भी उन्होंने अभद्रता और मारपीट का व्यवहार किया। वो शिक्षिकाएं भी थी? जी जी, वो
शिक्षिकाएं भी थी जो आपके यहाँ उप प्रधानाचार्य हैं, क्या नाम है उनका? उनका स्वच्छा तिवारी। उनके साथ भी मारपीट हुई है? उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनके हाथ भी मरोड़ दिया गया। क्या लगता है आप इसकी शिकायत किए कहीं? सर मैं अभी तुरंत मैंने 100 को फोन किया हूँ, ठीक है ना। 100 को फोन करने के बाद मैं थाना प्रभारी के यहाँ एक आवेदन दे के आया हूँ। अब मैं क्योंकि ऐसी स्थितियों में आज मेरे यहाँ एग्जाम है, एग्जाम लेना शासन के हिसाब से आज करना पड़ेगा। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इसको इसकी कार्रवाई करवाएं और इसको दिखवाएं, क्योंकि यदि एक ऐसे संस्थान के साथ ऐसा बाहरी लोग या कोई भी व्यक्ति आकर के ऐसा अभद्रता करेगा तो सर हम लोग संस्थान कैसे चला पाएंगे? बिल्कुल, वो भी शिक्षा का मंदिर है, यहाँ आकर के गुंडागर्दी और स्टाफ के साथ बदतमीजी, ये बहुत निंदनीय घटना है। जी सर, ऐसा है, 2009 से हम विद्यालय संचालित किए हैं, ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि ये एक गवर्नमेंट जो हैं पटवारी हैं शालिग्राम जी, उन्होंने और उनके अपने बेटों को लेके आकर के इस तरह का व्यवहार किए, जो कि तहसील में पदस्थ भी हैं वर्तमान में, शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, ठीक है ना। उनकी क्या समस्या है, क्या है, जो भी उनको प्रॉब्लम है तो वो भाई आकर के हमें बताएं, या तो फिर और ऊपर है वहाँ जाके उन बता सकते हैं, और यहाँ आकर के ऐसा करना ये उचित नहीं।